हाय दोस्तों, मेरा जो आज का वीडियो है वो है स्विफ्ट 2015 मॉडल के बारे में। ये स्विफ्ट का ओल्ड मॉडल है, टाइप 2 मॉडल। इसमें हम लोग स्टीरियो लगा रहे हैं, एंड्रॉयड डैम्पिंग कर रहे हैं, फ्रंट कंपोनेंट, रियर मिड रेंज, प्लस 4 चैनल एम्पलीफायर। तो अब दिखाता हूँ आपको हम क्या क्या सामान लगाने वाले हैं। अब चलते हैं हम लोग प्रोडक्ट डिटेल्स के ऊपर कि क्या क्या हम गाड़ी के अंदर लगाने लगे हैं। फ्रंट में हमारा एवेटार का कंपोनेंट है CBR 620। रियर में हम लगा रहे हैं मिड रेंज MTU 61। मिड रेंज जो है पेपर कोन स्पीकर है और काफ़ी हैवी मैग्नेट है, काफ़ी अच्छी इसकी आउटपुट आएगी, रिजल्ट काफ़ी अच्छे आएंगे इसके। साथ में इन दोनों को ड्राइव करने के लिए कॉम्पोनेंट और मिड रेंज को हम लोग 4 चैनल एम्पलीफायर लगाने हैं एवेटार का ABR 240.4। वाटर रिंग लगेंगे ताकि ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए स्पीकर की, लॉन्ग लाइफ हो जाए और आउटपुट है उसकी अच्छी है। प्लस डैम्पिंग करेंगे हम लोग रॉकस्टार की। इसमें हम कोई बास ट्यूब और वूफर नहीं लगा रहे क्योंकि CNG वाली कार है। अब हम चलते हैं सबसे मेन चीज़ के ऊपर, जो गाड़ी में हम हेड यूनिट लगाने वाले हैं वो लगा रहे हैं हम लोग एंड्रॉयड मैक्सलिंग ब्रांड में। 12 मंथ वारंटी होती है इसके अंदर। एंड्रॉयड वर्जन जो है आपको इसमें 9 मिलेगा, जो लेटेस्ट अभी इसके अंदर आया है। और जो इसकी स्पेसिफिकेशन है मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं पीछे लिखा हुआ है। T3 प्रोसेसर है, 9 इंच में है, 2GB रैम है, 16GB स्टोरेज है इसके अंदर, IPS स्क्रीन है, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और सबसे बड़ी बात जो है इसके अंदर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है T3 जो प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है। ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है और सबसे सक्सेसफुल प्रोसेसर है। बाकी डिटेल्स वगैरह और लिखी हुई है बॉक्स के ऊपर, आप ये पढ़ सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस एक बार लग जाता है, मैं आपको इसकी दिखाता हूँ एंड्रॉयड की परफॉर्मेंस कैसी है। वैसे मैं काफ़ी टाइम से लगा रहा हूँ, 100% रिकमेंडेड प्रोडक्ट है ये। ड्राइवर साइड कंप्लीट हो चुकी हुई है, डैम्पिंग हो गई है, आगे कंपोनेंट फिट कर दिए हमने, प्लस हम वाटर गार्ड रिंग लगा चुके हुए हैं। प्रॉपर फिनिशिंग से डैम्पिंग की गई है, तरीके से लगाई गई है कि ताकि कोई कंप्लेंट ना आए इन फ्यूचर, कोई प्रॉब्लम ना आए। ये रियर डोर है राइट साइड का, इसमें भी डैम्पिंग कंप्लीट हो गई है। और ये मिड रेंज भी लग गया एवेटार का विद वाटर रिंग। हमारा काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब मैं आपको स्टीरियो की फिनिशिंग दिखाता हूँ लगने के बाद कैसे आ रही है, आप चेक कर सकते हैं। एच देख सकते हैं, एच टू एच प्रॉपर फिट हुआ हुआ है, गाड़ी के हिसाब से आता है, कार स्पेसिफिक। स्टीरियो मैंने आपको दिखाया था, ये मैक्सलिंक का है, प्रॉपर 2GB रैम है, 16GB स्टोरेज है इसके अंदर, T3 प्रोसेसर है, IPS डिस्प्ले है। सबसे खास बात है टोटल कपलर टू कपलर फिटिंग है इसकी, कोई वायर कटिंग नहीं होती, चाहे कोई भी गाड़ी हो। ये बेसिक मॉडल है, इसमें स्टेरिंग कंट्रोल नहीं लगा, अगर आपकी गाड़ी में स्टेरिंग कंट्रोल लगा है तो वो भी वर्क करेगा इसके साथ। टच इसका टॉप नोच है, इसके अंदर एप्लीकेशंस डल के आती हैं। इक्वलाइजर की बात करता हूँ तो इतनी सारी इक्वलाइजर की सेटिंग्स हैं, आप जैसा करना चाहे अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं, कोई कमी नहीं है इसके अंदर। यूट्यूब प्ले हो या गूगल मैप हो, प्ले स्टोर से आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्मूथली चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मैं आपको इसका साउंड आउटपुट का डेमो देता हूँ, जो इसकी खास चीज़ है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो हमने मेन काम किया इसमें साउंड सिस्टम का। ये भी है NCS का गाना प्ले करेगा यूट्यूब पे। Oh,
जैसे कि आपने इसकी आउटपुट सुनी है, मोबाइल पता नहीं कितना जस्टिफाई कर पा रहा है, बट आउटपुट बहुत अच्छी आ रही है, बहुत क्लियर आ रही है, और जितनी आप एक्सपेक्ट करते हैं बेस स्पीकर में आनी चाहिए मोर देन सफिशिएंट आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, नॉर्मल स्पीकर से ज़्यादा अच्छी आ रही है, तो हाईली रिकमेंडेड है। होप आपको मेरा काम पसंद आया होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।